देखो बच्चों, आज हम आपको गृह विज्ञान में पारिवारिक बजट लेसन है उसके बारे में बताना चाहते हैं। पहले तो हमने ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी हम क्योंकि बीच में एक दिन का गैप होने के कारण बीच में नहीं पढ़ा पाए हैं, तो पीछे से रिपीट कर रहे हैं दोबारा। तो कहते हैं बजट किसे कहते हैं, बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तो कहते हैं निश्चित आय में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय व्यय का नियोजन किया जाए। तथा तो अब आता है कि हम बजट किसे कहते हैं। तो बजट आय और व्यय के लिखित ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। अब आता है दूसरा, आता है कि बजट के उद्देश्य, एक परिभाषा और बता दें इसी में। कृषि एवं रस के अनुसार कहते हैं कि पारिवारिक बजट होता क्या है। तो कृषि एवं रस के अनुसार है, पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। फिर आता है आपका पारिवारिक बजट के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य होते हैं बजट बनाने के। नंबर एक होता है आय का विवरण प्राप्त करना। फिर आता है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की जानकारी प्राप्त करना, आय का उचित उपयोग करना, भविष्य के लिए बचत करना। फिर आता है परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। ये आपका है पारिवारिक बजट के उद्देश्य। फिर आते हैं पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें कौन सी होती हैं। तो देखिए, हर मनुष्य को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पांच मदें इनकी आवश्यक होती हैं। देखो, बिना भोजन के मनुष्य नहीं रह सकता, बिना कपड़े के नहीं रह सकता और बिना मकान के नहीं रह सकता है। तो सबसे पहला है आपका भोजन। तो मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। तो जब कोई भी आय है, आमदनी से जब वो बजट बनाता है, तो सबसे पहले गृहिणियों को सबसे पहले बजट बनाने में अपने भोजन की प्राथमिकता देना चाहिए। दूसरा आता है वस्त्र की प्राथमिकता। तीसरा आता है मकान के बाद आता है शिक्षा, फिर आता है स्वास्थ्य। अब आता है आपका पारिवारिक बजट के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं पारिवारिक बजट। संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। संतुलित बजट वो बजट कहलाता है जिसमें आमदनी जितनी आती है उतनी ही पूरी खर्च हो जाती है परिवार की आवश्यकताओं में, उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। इसे बहुत अच्छा बजट नहीं कहते हैं। दूसरा आता है घाटे का बजट। जब घाटे का बजट वो बजट कहलाता है जब हम अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर देते हैं और हमें आगे के लिए उधार लेना पड़ता है। उधार लेकर कोई कार्य किया जाता है तो फिर उसे हम कहते हैं कि घाटे का बजट। ये तो परिवार को की स्थिति को बिगाड़ने वाला बजट कहलाता है। फिर तीसरा आता है बचत का बजट। बचत का बजट ऐसा बजट कहलाता है जिसमें आमदनी जितनी हो उससे इस तरीके से खर्च किया जाए, व्यय किया जाए जिससे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और कुछ धनराशि शेष बचे। जो शेष धनराशि बचेगी तो वो भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं पर यूज की जा सकती है। तो ये बजट सबसे अच्छा बजट कहलाता है। इसको हम आदर्श बजट कहते हैं। अब आता है पारिवारिक बजट बनाने के महत्व एवं लाभ। अब आपके हम टॉपिक पर आ गए हैं। तो देखिए, पारिवारिक बजट ही एक ऐसा माध्यम है। देखिए, हमारे देश को भी अर्थव्यवस्था की जरूरत है पैसे की, हमको भी पैसे की जरूरत है, हमारे समाज को भी जरूरत है, सारी देश की व्यक्तियों की सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे से होती है। तो सबसे पहला है कि हम ये जान लें कि इसे किसको किसको लाभ होता है। तो पहला आता है गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट का महत्व। क्या होता है कि किसी घर या परिवार की अर्थव्यवस्था का संचालन मुख्य रूप से गृहिणियों के ऊपर आता है। घर की व्यवस्था जितनी वो देखती हैं, वो कौन देखता है? घर की गृहिणियां। अब आता है इनको सुचारू रूप से, अगर परिवार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो उनको क्या करना, तो गृहिणियां क्या करती, पहले बजट बना लें। और बजट बनाकर अगर कोई कार्य करती है तो उस घर की पारिवारिक अर्थव्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती है। अब आता है कि गृहिणियों परिवार को क्या लाभ होते हैं। नंबर एक, आय तथा व्यय का संतुलन। गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट बनाना तथा उसका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना कर्तव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। ये पहला कर्तव्य है कि आय तथा व्यय दोनों का संतुलन बनाए।
आय आए तो उसके बाद बैंक में भी आप एक ब्यौरा बना लें कि हमें कितना खर्च करना है। और कोई भी जब खर्च करें, कोई भी कार्य करें, तो उसके पहले सोच लें एक बार कि बजट, हमारा बजट क्या कहता है, हमारी आय कितनी और व्यय कितना करना है। फिर दूसरा आता है जो व्यय पर नियंत्रण, तो उसमें कहता है कि दृढ़ अपने सूझबूझ से तैयार किए गए बजट से नावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखता है। कहता है कि कभी कभी क्या होता है, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती है वो चीजें हम क्या है ना, अनावश्यक चीजों पर हम नियंत्रण कर लेते हैं। अब आता है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। प्रत्येक परिवार में गृहिणी से अपेक्षा रखी जा सकती है। हर परिवार में स्वाभाविक होता है कि सब कोई गृहिणी से ही ये अपेक्षा रखता है कि सबकी आवश्यकताएं वो पूरी करे, सबको वो खुश रखे। इस उत्तरदायित्व की पूर्ति में बजट विशेष सहायक होता है। देखिए क्या इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब गृहिणी बजट बना के कार्य करती है तो क्या होता है, सब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जिससे जब पूर्ति होती है तो सब उससे खुश रहते हैं। और आय का उचित उपयोग करना, अब गृहिणी अगर गृहिणी को गृह विज्ञान का अध्ययन किया है उसने, तो उसका एक उत्तरदायित्व तो होता है कि वो जो आय है उसका उचित उपयोग कर, तो उचित उपयोग तभी करेगी जब वो बजट बनाकर करेगी। अब आया समाज सुधारकों के लिए, तो आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन, समाज सुधार का कार्य सरकार द्वारा दी गई राजनीतिक व आयात संबंधी नीतियों से जनता की परेशानियों का मूल्यांकन कर सरकार को सुझाव देना। देखिए स्वाभाविक है, समाज सुधारक ही अपने आसपास समाज के लोगों के बारे में जानकारी सरकार को देते हैं कि कौन गरीबी रेखा में है, कि किसको क्या परेशानियां हैं, किसको भोजन नहीं मिल पा रहा है ढंग से खाने को, ये सब सरकार को सूचनाएं समाज सुधारक देते हैं। जैसे नीतियां आती, आर्थिक नीतियां, देखिए जैसे अभी चल रहा है विधवा पेंशन चल रहा है, विकलांग पेंशन चल रहा है, कृषि वाला, कृषि जिसके खेती वगैरह में नहीं होता तो उसको पैसा दिया, तो ये कौन देता है, ये सरकार ही देती है। लेकिन किसके द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा भेजी हुई सूचनाओं के द्वारा। मादक वस्तुओं प्रतिबंध, समाज या व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत मादक अन्य पदार्थों पर खर्च करता है, ये सब बजट से पता चलता है। क्योंकि स्वाभाविक अगर आमदनी आती है और उसमें अगर से कुछ उसका पैसा शराब बीड़ी तंबाकू इनमें जाता है, तो ये सूचनाएं सरकार के पास पहुंचती हैं, जिससे इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में सहायता, बजट के माध्यम से ज्ञात होता है कि धन के अभाव में लोग किस बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, अतः समाजशास्त्री द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है। तो सरकार के लिए देखिए क्या होता है कि सरकार क्या कहती है कि कुछ वर्गों से, कुछ प्रमुख वर्गों से कर के रूप में, टैक्स के रूप में धनराशि लेती है, और उस धनराशि को सरकार जनता के लिए इनामी योजनाएं बना करके भेजती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब आया अर्थशास्त्रियों के लिए, तो अर्थशास्त्रियों द्वारा पारिवारिक बजट के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण, मनरेगा वगैरह जो इस समय है चलता है, ये सब देश के विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मदों पर धन व्यय करते हैं। अब आए पारिवारिक बजट में आने वाली बाधाएं, कब हमारा बजट गड़बड़ होता है, तो कब हमारे परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती है, तो कौन कौन सी वो बाधाएं होती है जो हमारे परिवार के बजट को डिस्टर्ब करती हैं। देखिए पारिवारिक बजट बनाना एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसमें गृहिणी को बहुत सूझबूझ से काम करना होता है, उस बजट को बनाने में अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है कि क्या चीजें ऐसी होती जो समस्याएं उत्पन्न करती हैं बजट बनाने में, अज्ञानता एवं अशिक्षा। तो देखिए अशिक्षा एवं अल्प ज्ञान, अज्ञानता का मतलब होता है ज्ञान तो होता है मगर थोड़ा, तो क्या करते हो कि तो गृहिणियाँ क्या करती है, यदि पढ़ी लिखी नहीं तो वो बजट नहीं बना पाती हैं, या थोड़ा सा थोड़ा ज्ञान है तो नहीं बना पाती। अतः गृहिणियों को अशिक्षित होना बजट निर्माण में प्रमुख बाधा, इसीलिए सरकार शिक्षा, हर गृहिणी अपने घर को सुचारू रूप से चलाए इसलिए शिक्षा व्यवस्था उसके लिए कंपलसरी कर दी गई, हर गृहिणी को शिक्षित होना अनिवार्य हो गया है। तभी तो सरकार ने जो जिनकी स्थिति पढ़ने लायक भी नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाती, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। दूसरा आय व्यय के प्रति उदासीन, देखिए समाज में कुछ गृहिणियां ऐसी जैसे
कुछ अपन लोगों में भी ऐसे होते हैं ना, पढ़ी लिखी तो होती लेकिन किसी तरह से ढीली आलसी टाइप की होती, जो क्या करती है कार्य तो करती है तो वो क्या करती है अपने बजट के प्रति उदासीन होती है, और बजट बनाने में उनका मन बजट या तो बजट बना लेंगे तो उस तरीके से वो उस पर कार्य नहीं करेंगी। तीसरा था सामाजिक परंपरा। देखो बेटा क्या होता है कि अधिकांश परिवारों में गृहिणियों को अर्थव्यवस्था में परामर्श देने से वंचित रखा जाता है। स्वाभाविक है आज भी पुरुष लोग क्या करते हैं, हर कार्य में महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उनसे हर चीज नहीं पहुंचते हैं। शादी ब्याह होते हैं तो आदमी लोग ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन अब तो बहुत समझदार लोग हो गए हैं तो महिलाओं को भी आगे लाते हैं, जिस कारण पारिवारिक बजट बनाने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और एक इसके बाद और भी होता है कि जन्मदिन, विवाह है, नामकरण, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं उनको करना जरूरी होता है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके बजट में है नहीं है फिर भी, चाहे आपको उधार लेकर करना पड़ता है लेकिन करना पड़ता। तो जब हम उधार लेकर कोई कार्य करें तो आगे तो हमें उसको चुकाना पड़ेगा और वो हमारा जाएगा किस पे, आय पर पड़ेगा उसका असर। तो ये बाधाएं आती हैं। अब आगे चलते हैं, आपको इसमें एक और सबसे मेन है एंजल का सिद्धांत, एंजल का व्यय संबंधी सिद्धांत। तो एंजल ने कहा था, एंजल ने समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवारों की गृह अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया, उन्होंने बहुत अध्ययन किया, फिर उन्होंने एक निष्कर्ष रूप में 1857 में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं पारिवारिक बजट संबंधी एंजल का नियम। अब देखिए एंजल ने क्या कहा था कि समाज में, देखिए मनुष्य समाज में रहता, समाज में तीन प्रकार के वर्ग होते हैं, धनी या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इस वर्गीकरण का आधार केवल पारिवारिक आय को ही स्वीकार किया। देखिए उच्च वर्ग को भी आय की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता है उच्च वर्ग से भी आय से होती है, मध्यम वर्ग की भी आवश्यकताओं की पूर्ति आय से होती है और निम्न वर्ग के भी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति आय से होती है। अब बस अंतर इतना होता है कि जैसे जैसे उच्च वर्ग, एंजल का कहना है कि जब उच्च वर्ग की आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, अपना साथ वो आय का कुछ प्रतिशत भोजन पर रखता है, बाकी विलासिता संबंधी चीजों पर रखता है, शिक्षा पर रखता है, स्वास्थ्य पर रखता है। अब उदाहरण के लिए बता दें, अगर उसकी आय अच्छी हो गई है तो खाना तो वही खाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी, भाई कभी कभी बीच में अच्छी सब्जी ले लेगा, एक बार होटल चला जाएगा, मगर उसकी उसके बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े तो वो और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगे, और उसके घर में अगर साइकिल से चल रहा होगा तो स्कूटी आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी, मनोरंजन या विलासिता की मदों पर होने वाला व्यय भी प्रतिशतमान बढ़ता जाता है। दूसरा तो और क्या होता, वस्त्र गृह प्रकाश ईंधन जैसी मदों पर व्यय स्थिर रहता है। फिर आता है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का भोजन पर भी उतना ही प्रतिशत खर्च होता है और अन्य चीजों पर भी वो बराबर रखता है, ना उसको मध्यम रहता। निम्न वर्ग वाला क्या करता है, जब उसकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले वो भोजन पर अपनी अपने आय का प्रतिशत खर्च करता है और उसके बाद अन्य चीजों पर वो बाद में। तो ये आते हैं आपके एंजल के सिद्धांत। तो एंजल ने तीन वर्गों में बांटा, ये तालिका बनी हुई है, इसमें देख लीजिए कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, धनिक वर्ग। तो अब आता है भोजन, निम्न वर्ग वाला 60% खर्च करता है जब उसकी आय बढ़ती है, मध्यम वर्ग 55% और धनिक वर्ग 50%, वस्त्र 18%, 18 कपड़े तो तीनों एक जैसे पहनते हैं, मकान होता तो 12 बराबर पे है, फिर अन्य चीजों में आ गया प्रकाश ईंधन तो 5-5% है। ये आप पूरा पैराग्राफ इसको देख लीजिएगा और उसके बाद क्या है कि अब आप समझ गए हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ आज दे दूंगी, तो आप पीछे जो क्वेश्चन है उनमें टिक लगा हुआ है तो आप उन इससे छांट के अपनी कॉपी में लिख के फिर कॉपी बना लीजिएगा। ओके।